नगर को भारत का सिराज, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था कानपुर में एक जगह है बिठूर, वही कनक भवन आपको बताना है, दोनों स्तंभों में दिया है, इसके सामने दिया है बाराबंकी, आपको मिलान करना है। कामतगिरी ध्यान दीजिएगा, बांदा, कालिंजर दुर्ग, चित्रकूट, क्या याद दिया है? कालिंजर दुर्ग, चित्रकूट। देवा शरीफ, अयोध्या धाम। अब यहां हमारे पास दो स्तंभ है, पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ सूची है। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या धाम में। कहाँ पे है? अयोध्या धाम में। कामतगिरी कहाँ है? चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग बांदा में है। दिवासरी बाराबंकी में। तो 4-3-2-1 क्या बनेगा इसमें? ए बी सी डी, 1-2-3-4 4-3-2-1 कनक भवन, अयोध्या धाम, कामतगिरी, चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, दिवासरी बाराबंकी। किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं? जौनपुर को। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? विठूर कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 20, उदयन वासुदत्ता था ना, की कथा संबंधित है? आपने उदयन के बारे में पढ़ा होगा, उदयन वासुदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। कहां से? कौशाम्बी जिले से संबंधित है। संत कवि मनुदास, क्या थे? आपको बताना है सर, अयोध्या के, आगरा के, कड़ा के, कौशाम्बी में कड़ा है, काशी के, तो कड़ा कौशाम्बी के थे। कहाँ के थे? कड़ा के थे, कौशाम्बी। कौशाम्बी वही सैनी है, सैनी किले को कौशाम्बी बोलते हैं। कड़ा, कड़ा मानिकपुर कड़ा, तो कड़ा कौशाम्बी में, तो कड़ा के थे। संत मनुदास कहाँ के थे? क्वेश्चन नंबर 21, कड़ा के थे, कौशाम्बी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? क्वेश्चन मार्क, क्या आगरा में है, क्या प्रयागराज में है, क्या गोरखपुर में है, क्या लखनऊ में है? तो हाँ, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। कहाँ है बच्चों? लखनऊ। कौशाम्बी स्थित, प्रभासगिरी स्थल
स्थल का मतलब जगह होता है। का संबंध है, किससे संबंध है? कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरि स्थल का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैनों से, शैव से, वैष्णव से। तो देखिए, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरि स्थल जैनिज्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन से। किससे? जैन से। वृंदावन मंदिर मथुरा, सही है। जेके मंदिर लखनऊ, ये तो कानपुर में था, ये तो गलत लग रहा है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, सही है। तो जेके मंदिर लखनऊ, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20। वृंदावन मंदिर मथुरा, सही है। जेके मंदिर लखनऊ गलत है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी बिल्कुल सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बिल्कुल सही है। आप लोग में रिवीजन बुक निकालिए, रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। रिवीजन भी बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन सब पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आने चाहिए। विगत वर्षों के हल प्रश्न, उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान लेक्चर प्रश्नोत्तरी। विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं? किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं? क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। किस नगर को, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कानपुर के विधुर स्थान में था। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या धाम में। कामदगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग कहाँ है? बांदा में है। देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में है। उदयन वासुदत्ता की कथा कहाँ से संबंधित है? कौशाम्बी से संबंधित है। संत कवि मलुकदास कहाँ के थे? कड़ा एक जगह है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कड़ा, वहीं के थे संत मलुकदास। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो राजधानी हमारे उत्तर प्रदेश की। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरि स्थल का संबंध किससे है? जैनिज्म से है, जैनियों से है। जैन धर्म के लोगों का प्रमुख स्थल है प्रभासगिरि स्थल, जो कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट को ही सैनी के नाम से जाना जाता है, इसको आप पहले सैनी के नाम से जानते थे, वही कौशाम्बी है। वृंदावन मंदिर मथुरा सही है। जेके मंदिर लखनऊ गलत है, जेके मंदिर कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी बिल्कुल सही है, और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर एग्जैक्टली राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, विगत वर्षों के प्रश्न, हल प्रश्न, जो पहले भी यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस आते थे यूपी के एग्जामिनेशन में, किसी भी लेवल के, लोक सेवा आयोग के या ट्रिपल एससी की, उन सबसे क्वेश्चन आपका लिया गया है यहाँ पे। यूपी पीसीएस में, यूपी एलडीए, यूडीए में जितने भी प्रश्न आज तक आए, वही प्रश्न मैं आपको बच्चों सॉल्व करा रहा हूँ, इसे तरी भी दौड़ाइए नहीं। विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल नहीं है, क्वेश्चन मार्क, विश्व धरोहर स्थल नहीं है। पहला हमारे पास ऑप्शन है
आगरा किला, आगरा किला तो हमने सुना है कि विश्व धरोहर स्थल है, ये तो हो नहीं सकता। फतेहपुर सिकरी, ये भी तो हमने सुना है कि विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल, ताजमहल भी तो विश्व धरोहर स्थल है। अकबर का मकबरा, हाँ यही नहीं है, अकबर का मकबरा विश्व धरोहर की स्थल में नहीं आता है, विश्व धरोहर स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व धरोहर स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, जबकि आगरा किला है, फतेहपुर सिकरी है और ताजमहल है विश्व धरोहर स्थल, लेकिन अकबर का मकबरा जो क्वेश्चन दिया है विश्व धरोहर स्थल नहीं। हमारे पास स्थान है, इसमें पहला दिया है कौशाम्बी और दूसरा जो स्तंभ हमारे पास है स्मारक या भग्नावशेष, तो यहां पर हमको इसमें पहले मिला है धमेक स्तूप, अभी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। दूसरा हमारे पास स्थान है कुशीनगर और स्मारक हमारे पास घोषित राम मठ, घोषित राम मठ। तीसरा हमारे पास स्थल है सारनाथ और यहां पर रामभर स्तूप है। चौथा स्थल है श्रावस्ती। सारे आपके स्थल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहां पर दिया है जो भग्नावशेष सहेत महेत, सहेत महेत के बारे में हमने आपको बताया था, सहेत महेत। तो देखिए आपको स्थान हमारे पास थे एक स्तंभ में, दूसरे में स्मारक या भग्नावशेष, स्मारक या भग्नावशेष, तो ये हमारे पास दो स्तंभ है आपको मिलाना है, हम मिला रहे हैं। देखिए सारनाथ, तो धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ, एक जानते हैं धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। और देखिए कौशाम्बी में क्या है? कौशाम्बी में है घोषित राम मठ, कौशाम्बी में क्या है? घोषित राम मठ। और कुशीनगर में क्या है? रामभर स्तूप। कुशीनगर में क्या है? रामभर स्तूप। और देखिए श्रावस्ती में क्या है? श्रावस्ती में है सहेत महेत, क्या है? श्रावस्ती में है सहेत महेत। तो हमारे पास है ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी श्रावस्ती। तो ए का है दूसरा, बी का है तीसरा, सी का है पहला और डी का है फोर्थ। तो क्या क्या है? कौशाम्बी में घोषित राम मठ है, कुशीनगर में रामभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महेत है। तो ये हमारे स्थान और स्मारक या भग्नावशेष का ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 था, क्योंकि हमने सफलतापूर्वक कर लिया। कौशाम्बी में है घोषित राम मठ, कुशीनगर में है रामभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, धमेक स्तूप, श्रावस्ती में है सहेत महेत। उत्तर प्रदेश में बौद्ध, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। अब आपको चार ऑप्शन यहां पर दे रहे हैं बच्चों कि उत्तर प्रदेश में कौन सा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है बौद्ध परिपथ के भाग में कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु तो है, राइट है। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन है कुशीनगर, तो ये भी बौद्ध परिपथ का भाग है, कुशीनगर भी राइट आंसर है,
तीसरा देखते हैं संकिसा, संकिसा ये नहीं है, संकिसा हमने कभी बौद्ध में पढ़ा ही नहीं। श्रावस्ती, श्रावस्ती भी है बौद्ध परिपथ का भाग। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? क्या कपिलवस्तु नहीं है? नहीं, कपिलवस्तु है। क्या कुशीनगर नहीं है? हाँ, कुशीनगर है बौद्ध परिपथ का भाग। किसका? बौद्ध परिपथ। क्या संकिसा नहीं है? हाँ, संकिसा हमने नहीं सुना कहीं बौद्ध परिपथ में, तो बौद्ध से संबंधित संकिसा नहीं है, लेकिन श्रावस्ती बौद्ध से संबंधित है। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, इससे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। लॉर्ड कार्नवालिस, ये आपका जीके का भी क्वेश्चन हो गया। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन मार्क। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर कहाँ स्थित है? काशी की बहन कही जाती है गाजीपुर, ध्यान दीजिएगा, ये उपनाम है, गाजीपुर में। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। ऑप्शन दिया था गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है, ध्यान दीजिए। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमने आपका पूरा एकदम फिर से ये कर दिया, आपको पूरा दिखेगा स्पष्ट। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों की यहाँ पे हमारे पास श्रृंखलाएं हैं, बराबर आप देखते रहिए इस क्वेश्चंस को, इसके आंसर। पीसीएस लेवल की तैयारी में आपको बहुत ही तल्लीनता से और बहुत ही डिग्निटी के साथ आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। यू हैव नो डिग्निटी, यू हैव नो सक्सेस। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डिग्निफाइड पोस्ट। गंगा नदी वाराणसी में है, सत्य है, ये सत्य है। गोमती नदी लखनऊ में है, ये सत्य है। आप इसमें से चुनेंगे क्या सही है क्या सही नहीं, ध्यान दीजिए। इसमें से आपको चुनना है, गंगा नदी वाराणसी में हाँ, गोमती नदी लखनऊ में हाँ, और कोसी नदी गोरखपुर में है, ये तो असत्य जैसा प्रतीत होता है, कोसी गोरखपुर में नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कोसी गोरखपुर में कहाँ है। अगला भी ऑप्शन ले लेते हैं, सरयू नदी अयोध्या में, बिल्कुल सरयू नदी के तट पर ही अयोध्या धाम बसा हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास था गंगा नदी वाराणसी, दूसरा ऑप्शन था गोमती लखनऊ, तीसरा ऑप्शन था कोसी गोरखपुर, चौथा ऑप्शन था सरयू अयोध्या। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। ये कहता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कोसी गोरखपुर ये सही सुमेलन नहीं है, क्योंकि गंगा वाराणसी में है हाँ, गोमती लखनऊ में हाँ, सरयू अयोध्या बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। महोदय किसका पुराना नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महोदय किसका पुराना नाम है, महोदय किसका पुराना नाम है, तो देखिए कन्नौज का पुराना नाम है महोदय। किसका नाम है? कन्नौज का पुराना नाम है महोदय, वहीं पर महोदय श्री है कन्नौज में। और एक प्रश्न यहीं पर बनता है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च, एक अति प्रसिद्ध, हमने पढ़ाया आपको परसों, सेम क्वेश्चन पढ़ाया, आप बताइएगा इसका आंसर। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहां पर चर्च का निर्माण करवाया था, ये जो हमने आपको लेक्चर दिया था पूरा 2-3 दिन, उसी में से एक प्रश्न है।
पूर्व वर्षों के आधारित प्रश्न। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहां पर? सरधना में। कहां पर? सरधना में। ध्यान रखिएगा बच्चों, सरधना ये ध है। सरधना में बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। महोदय किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। कन्नौज का पुराना नाम है महोदय। गंगा नदी के किनारे बसी है वाराणसी। गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। सरयू नदी के किनारे बसा है विद्याधाम। लेकिन गोरखपुर जो है कोसी के किनारे नहीं बसा। ये वाला जो ऑप्शन कोसी वाला दिया था ये गलत था, तो वही सुमेलन नहीं था। यही क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल क्या है? मगहर। सत्य है। अब आपको बताना है कौन सा इरेगुलर है इसमें। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल, भगवान बुद्ध का निर्माण यानी कि मोक्ष जो हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं स्थल, ये कुशीनगर, यहीं पर इनको निर्माण मिला था। महानिर्वाण निर्माण सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार। देवा शरीफ, ये भी सही है। लेकिन एक और दिया है 88,000 ऋषियों की तपस्थली। यही मुझे लग रहा गलत दिया है क्वेश्चन में। ये दिया है संकीसा, जबकि ये संकीसा नहीं है, यह है नैमिषारण्य। यही वाला ऑप्शन गलत है कि 88,000 ऋषियों की तप स्थली क्या है? नैमिषारण्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? देवासरी। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ मगहर। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को प्लीज कमेंट जरूर करें और कॉम चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। करे कठिन अभ्यास सदा, यही करो बच्चों प्रयास सदा। ऐसा हो तुम्हारा आत्ममंथन, रण में तुम शिक्षा के करो दिवंथन, तुम रण में विजय श्री पाओ। यही अभिलाषा है हमारी।